आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। रुक करते इस वक्त की कुछ खास खबरों की। और कानपुर के बेकनगंज में हिंसा में अब तक कई के ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुके हैं। तनावपूर्ण स्थिति के बीच इलाके में सड़क पर पुलिस कमिश्नर और डीएम नेहा ने फ्लैग मार्च किया। घरों में दबिश देकर संदिग्ध उपद्रवियों को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस कमिश्नर विजय मीणा ने बताया कि अब तक 36 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हमें अभी तक जो फोटो और वीडियो मिले हैं उसके जरिए उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। 40 नामजद और 1000 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया गया है। आप दोनों टीवी स्क्रीन पर दोनों तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि फिलहाल पुलिस ने अभी फ्लैग मार्च किया है। और जो दूसरा तस्वीर हम आपको इस वक्त की दिखा रहे हैं वो सीसीटीवी फुटेज है। पूरे उस हिंसा का सीसीटीवी फुटेज है कि किस तरह से इस दंगे को भड़काया गया था, किस तरह से ये हिंसा हुई थी। लगातार दो पक्षों में पथराव जारी था। कल जुमे की नमाज के बाद 3 बजे के बाद यह हिंसा हुई थी कानपुर के बेकनगंज में। आप देख सकते हैं तो जो सीसीटीवी फुटेज है वो सामने आ चुका है। अब तक का किस तरह से पत्थरबाजी की जा रही थी, सबसे जो संदिग्ध इलाका है वहां पर ये पत्थरबाजी हुई थी। दो समुदायों के बीच में ये पत्थरबाजी हुई थी। और सबसे बड़ा सवाल है, निशान प्रशासन पर उस वक्त खड़ा हो गया था जब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों घटनास्थल से मात्र 70 किलोमीटर की दूरी पर उपस्थित थे। कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी बड़ा सवाल उठाया गया था। फिलहाल अब सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से पूरी तरह से पुलिस प्रशासन एक्टिव है और कार्रवाई कर रही है। इस घटना की जांच भी की जा रही है, लेकिन जिस तरह का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि इस तरह की हिंसा प्री प्लान थी। जो कई तरह के वाक्य निकल करके सामने आए थे उसे यही पता चलता है कि कहीं ना कहीं इनके मन इनमें प्रशासन का कोई डर नहीं है, इन्हें कोई खौफ नहीं है प्रशासन का। एक तरफ जहां लगातार उत्तर प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दावे करते हुए नजर आते हैं कि दंगाई या तो प्रदेश छोड़ देंगे या तो अपने घरों में बैठेंगे, लेकिन ये कौन दंगाई है जो खुलेआम पत्थरबाजी करते हुए रोडों पर नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से पत्थरबाजी सरेआम खुलेआम रोड पर की जा रही थी। दो समुदायों के बीच ये पत्थरबाजी हो रही थी। हालांकि ये जांच का मामला है, पूरी तरह से जांच का मामला है कि आखिर ये कौन लोग हैं जो इस तरह के दंगे को, इस तरह के हिंसे को भड़का रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज के माध्यम पर फिलहाल प्रशासन कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया है। संवाददाता उपेंद्र इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ कानपुर से जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, क्या कुछ अपडेट है इस मामले पर और अभी तक कितनों पर एफआईआर हो चुका है और कितनों की गिरफ्तारी हुई है? बेकनगंज जो कांड हुआ है, इस कांड को लेकर के 3 एफआईआर दर्ज हुई है जिसमें 40 लोग नामजात है और 1000 लोग अज्ञात लोग है, जिसमें गिरफ्तारी जो है वो लगभग 18 या 25 लोग की गिरफ्तारी हो चुकी है और गिरफ्तारी लगातार दबिश जारी भी है। जी उपेंद्र, जो दंगाई है क्या उनमें से किसी का बयान कुछ अभी तक सामने आया, कुछ पता चल पाया कि किस वजह से इस दंगा को भड़काया गया था, इस हिंसा को भड़काया गया था? जी जी बिल्कुल, जो एमएस जौहर एसोसिएट बना हुआ है जिसमें जफर जो है जिसका जो सरगना मेन सरगना है अभी तक पुलिस गिरफ्त से बाहर है वो, और उसका जो उसने मैसेज सोशल मीडिया पर डाला है, पोस्टर चिपके हुए हैं कि 5 तारीख को हम लोग जो है जेल भरो आंदोलन चालू करेंगे। या तो ये जो है सुनिश्चित जो है वो करा गया, प्लान करा गया था कि जो ये करना है, पेट्रोल बम फेंकना है, पथराव करना है, इस हिंसा को बढ़ाना है जुमे की नमाज के बाद, ये बिल्कुल पूरा प्लान था। प्लान के बाद जो जैसे आज प्लान कल हुआ, कल के बाद शाम के टाइम ये पोस्टर जो है दीवारों में चपक गए थे। मतलब अगर पुलिस का नेटवर्क देखा है तो इन उपद्रवियों के सामने बिल्कुल जीरो लग रहा है। नहीं, लेकिन उपेंद्र, जो लोकल इंटेलिजेंस है, जो LIU है, क्या उसको जानकारी नहीं थी? सर आप पोस्टर लगे हुए थे शहर में, इसकी जानकारी उसको नहीं थी? कितनी बड़ी कमी LIU की है वहां पर लोकल इंटेलिजेंस की है।
जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसमें जो LIU के जो यहाँ पे SP LIU जो है उन्होंने इस मामले को लेकर संज्ञान किया हुआ है और उन्होंने और कमिश्नर कानपुर ने और उसके बाद सूबे के मुख्यमंत्री ने लखनऊ से जो है SP जो है अजयपाल शर्मा जी को वहां भेजा था कानपुर के लिए। उन लोगों ने एक 6 लोगों की टीम गठित करी है और वो टीम जो है बिल्कुल बराबर जांच करी हुई है और बताते जो आपको दबिश जो है वो लगातार जारी है और PSC को लेकर के जो अजयपाल शर्मा जो है SP वो लगातार इन गलियों में जो अंदर हाथा बना हुआ है इन गलियों के अंदर जो भूल भलैया बनी है इसमें लगातार दबिश जारी है और चारों तरफ से बिल्कुल छावनी बना रखा है पुलिस कंट्रोल में सारा मामला। लेकिन उपेंद्र ये तो रही बात घटना के बाद की, छावनी बना रखी है पुलिस प्रशासन, घटना स्थल पर मौजूद है SSB भी, लेकिन जो लापरवाही हुई है, जिस लापरवाही की वजह से दंगा भड़का है, क्या उन अधिकारियों पे भी, उन पुलिस के लोगों पर भी कार्यवाही की जाएगी जो इस घटना को कंट्रोल करने में असहमत रहे? जी बिल्कुल आपने सही कहा है कि घटना में जांच आई जाएगी। इसमें जो है पुलिस के ऊपर जो है जांच कमेटी बैठाई गई है जिसकी जांच जो है क्यू लेवल के अधिकारी जो है वो इसमें कर रहे हैं, जिसमें दोषी पुलिस वाले जो दोषी पुलिस कर्मी होंगे उनको निलंबित किया जाएगा। जी अगर बात की जो उपेंद्र वहां के स्थानियों की, तो किसी स्थानीय से आपकी बात हो पाई, जो स्थानीय लोग हैं उनका क्या कुछ कहना है इस मामले पर, या फिर जो वहां के विधायक है, वहां के जो पॉलिटिशियन नेता है उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? पॉलिटिशियन तो बिल्कुल बोलने को तैयार नहीं है किसी इस मामले को लेकर के, क्योंकि उसके बाद जो आप रही बात दंगाइयों की बात रही है और ये बिल्कुल प्लान फुल प्रूफ प्लान था। एक बात प्रश्न इतनी ये लगता है कि जब सुबह के मुख्यमंत्री ने मंदिर और मस्जिद में जो लाउड स्पीकर है उसको लेकर कम वैल्यू लोगों ने बोला गया, पर वहीं क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि जब घटना हुई थी उसी उससे पहले जुमे की नमाज से पहले जो है स्पीकर इतना वॉल्यूम तेज था कि आसपास क्षेत्र के लोग जो है ये जो जान चुके थे कि अब दंगा होने वाला है। जी उपेंद्र, जो शहर के काजी है उनसे इस घटना पे कोई बात हो पाई, उनका क्या कुछ कहना है इस पर? जी जो शहर के काजी है वो काजी जो है वो उनका वो मीडिया के सामने तो नहीं आ रहे हैं, पर खबर सूत्रों से आ रही है कि जो काजी साहब का कहना है कि ये बहुत निंदनीय घटना हुई है और इसमें जो हम प्रशासन के साथ खड़े हैं, पर कहीं ना कहीं लगता है कि आप प्रशासन के साथ करें, वही हमें जो जो कहते हैं जफर जो है उसके साथ जो है फोटो भी हैं, अभी कुछ देर बाद फोटो जो है वायरल भी होने वाली है कि जो शहर काजी से उनके संबंध भी अच्छे हैं और आज जो क्षेत्रीय विधायक है उनसे भी उनके संबंध अच्छे हैं। कुल मिला के देखा जाए तो ये मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, यहाँ के जो वर्तमान समय के विधायक है वो समाजवादी पार्टी के हैं और वो भी एक मुस्लिम समुदाय से जुड़े हैं। लेकिन उपेंद्र जो जफर है जिसकी गिरफ्तारी भी शायद हो चुकी है, उसका ये कहना है कि लाउड स्पीकर बहुत तेज बज रहा था मस्जिद से, तमाम दावे और वादे हैं कि लाउड स्पीकर हटा दिए गए हैं, जो आवाज तेज है उसको कम कर दिए गए, क्या अभी तक वहां से लाउड स्पीकर नहीं हटाया गया था? जी बिल्कुल आप वीडियो के माध्यम से अगर आप देखना चाहें तो मस्जिद के ऊपर लाउड स्पीकर अभी भी लगा हुआ है, सूबे के मुख्यमंत्री के आदेश के बावजूद भी जो है उस मस्जिद से अभी स्पीकर नहीं उतारे गए। कितनी बड़ी लापरवाही है ये पुलिस प्रशासन की, पुलिस क्या कर रही थी, प्रशासन क्या कर रहा था? प्रशासन तो लगातार दावे और वादे कर रही थी कि इतने हजार लाउड स्पीकर उतरवा दिए गए, इतने हजार लाउड स्पीकर की आवाजें कम कर दी गई, लेकिन अभी भी ये घटना जो सामने आई है और साफ सामने आया है कि और कबूला है कि लाउड स्पीकर की आवाज तेज थी, प्रशासन की कितनी बड़ी लापरवाही सामने और प्रशासन का इस पे क्या कुछ कहना है लाउड स्पीकर को लेकर के? प्रशासन का साफ जो आला अधिकारियों का कहना है कि वो जो क्षेत्रीय चौकी यतीम खाना के हैं नसीम अख्तर हैं उनको जो है तुरंत इस मामले को लेकर लाउड स्पीकर मामले को लेकर के इनको निलंबित कर दिया गया है। नसीम अख्तर को अगर ये चाहते हैं जो दंगा है ये दंगा ना बढ़ सकता, नसीम अख्तर के पास जो जौहर पहुंचे थे कमेटी के लोग पहुंचे थे बाजार बंद को लेकर के, एक उन्होंने सुनियोजित ज्ञापन दिया था, उस ज्ञापन को अगर ये चौकी इंचार्ज यहाँ मौके पर थे यतीम खाना के, जिस चौकी से घटना स्थल से 100 मीटर पर चौकी थी, अगर ये अपने आला अधिकारियों को पहले सूचित कर देते तो फिर हो सकता था ये घटना ना हो पाती। और उसके बाद किसको सौंपा गया था, ज्ञापन किसको दिया गया था? ज्ञापन इन लोगों ने शिकायत जो है जौहर कमेटी के जो है वो है उन्होंने चौकी इंचार्ज को ज्ञापन दिया था कि बाजार बंदी को लेकर के कि बाजार जो है वो बंद नहीं होगी, बंद खुलेगी बाजार, इस बात को लेकर के। लेकिन उपेंद्र अगर बात किया जाए ज्ञापन स्वीकार करने की, तो चौकी इंचार्ज के बाद तो वो पास तो वो अधिकार नहीं होता है कि चौकी इंचार्ज उस अधिकार को वो अधिकार रखे कि ज्ञापन को एक्सेप्ट करे, और इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल है निशान ये खड़ा होता है कि अगर लाउड स्पीकर था तो जो संबंधित थाना है, संबंधित थाना अधिकारी की कितनी बड़ी लापरवाही है? ये बहुत बड़ी लापरवाही है, इस पे जो है लगातार अभी अधिकारियों को साफ कहना है, कमिश्नर साहब इसमें जो है शाम तक या हो सकता कल तक जो है यहाँ के थाना जो अधिकारी पे भी कोई कार्रवाई की जाएगी उपेंद्र, या फिर कोई एक्शन लिया गया अभी तक, DM ने कोई एक्शन लिया, नेहा शर्मा का क्या बयान सामने आया है?
जी अभी तक जो डीएम नया शर्मा है उनका बयान जो थाना जो प्रभारी थे उनको और चौकी इंचार्ज को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया अभी वर्तमान समय में। जी बिल्कुल उपेंद्र, आप इस खबर में अपनी जानकारी बनाए रखिए, बेहद संवेदनशील मामला है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। खबर एटा जिले से है, जहां जिले में तैनात ग्राम विकास अधिकारी एक महिला आरक्षी के साथ कार में पकड़ा गया। बता दें कि ग्राम विकास अधिकारी की पत्नी ने परिजन के सहयोग से दोनों को पकड़ा गया। इस दौरान घटनास्थल से लेकर कोतवाली देहात तक करीब एक घंटे हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। आरक्षी पर सेक्स रैकेट चलाने और दबाव बनाने के आरोप लगाए गए हैं। बीते दिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हुआ है। इसमें कासगंज रोड पर उत्तर प्रदेश सरकार लिखी हुई एक कार में एक युवक युवती बैठे हुए थे। मौके पर युवक की पत्नी जा पहुंची और अपने परिजन को भी बुला लिया। पति को एक विकास खंड में ग्राम विकास अधिकारी के रूप में तैनात बताया, वहीं उसके साथ कार में बैठी युवती को महिला आरक्षी बताया। मेरे पति, मेरी शादी 9 फरवरी को अभिषेक उपाध्याय से हुई थी, जो कि ग्राम विकास अधिकारी हैं जयथरा में। कितने दिन पहले? 9 फरवरी को, 3 महीने पहले लगभग। जी, जी। जब मेरी शादी हुई थी तब हमें लगा सब ठीक है, बट शादी के बाद पता चला उनका एक एक्स्ट्रा अफेयर चल रहा है, और एक नहीं एक से ज्यादा अफेयर चल रहे हैं। कल वो उस लड़की के संग आपत्तिजनक स्थिति में पाए गए। कौन लड़की थी? उसका नाम दीक्षा है, वो राजेश पाराशर अवागढ़ हाउस में उनकी लड़की है जी, और वो इलाहाबाद कप्तानगंज में कांस्टेबल है। मेरी बेटी की शादी ये 9 फरवरी को जी, ये अभिषेक उपाध्याय पुत्र श्री राम प्रकाश उपाध्याय निवासी बापूनगर सुखावर रोड के साथ में हुई थी जी, जिसके जिनको मैंने एक लगभग 20-25 लाख रुपए खर्च करके शादी की है जी। इसके बाद ये उसमें महिला आरक्षी के साथ जिस तरह से ग्राम विकास अधिकारी गाड़ी में मिला, और उनकी जो पत्नी है जिनसे उनकी शादी फरवरी में ही हुई थी, उन्होंने उन्हें रंगे हाथ पकड़ा है। इस तरह लगातार तमाम जो पोल प्रशासन के भी खुल के सामने आ रहे हैं, अधिकारी को पत्नी ने रंगे हाथ पकड़ा है शादी के मात्र कुछ ही महीनों के बाद से ही, और मौके पर जो पत्नी है उसने अपने परिजनों को भी बुला लिया। महिला आरक्षी के साथ एक गाड़ी में ग्राम विकास अधिकारी दिखे। देवरिया के सदर कोतवाली में तैनात दरोगा बदरुद्दीन खान एक महिला के साथ बदसलूकी का ऑडियो वायरल हुआ था। ऑडियो वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था। वायरल वीडियो पर एसपी संकल्प शर्मा ने एक्शन लिया और एसएसआई को निलंबित कर दिया है। देवरिया में कार्यरत एक सब इंस्पेक्टर बदरुद्दीन खान, उनके एक महिला के साथ ऑडियो जो बातचीत है उसका ऑडियो वायरल हुआ है। इस वायरल ऑडियो की एक राजपत्रित अधिकारी द्वारा जांच कराई गई है, और इस जांच में प्रथम दृष्टया सब इंस्पेक्टर बदरुद्दीन खान द्वारा जो कंडक्ट रूल्स हैं उनके वायलेशन की बात आई है, और इस कदाचार को देखते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया। अच्छा ये बताओ, हम तुमसे खुल के बात करते हैं कि हमारी नौकरी बची, जिंदगी बची कि ना पे लई बता रहे हैं गवाह मान के। हम नहीं, हम तो ऐसा ना करब कि केहू के रोजी रोटी हम मारब, हम ना, हम बहुत खुश नहीं। सुना, हमारे बाल बच्चे एकदम रोड छाप पर जाए, हम खुद मर जाए, हम घरे ना जाए अगर ऐसा कुछ हो जाए। हम ये सुन रहे थे आप कह रहे थे कि मुसलमान मुसलमान को लड़ाया जा रहा है, मुसलमान मुसलमान को लड़ा के बेइज्जत कराया जा रहा है। हाँ। तो हमको बहुत अच्छा लगा कि कम से कम आप हमारे बारे में इतना सोची। हाँ। अगर आप इतना नहीं सोचोगी तो मेरी लाइफ तो बर्बाद हो जाएगी। फिरोजाबाद के एनएस हॉस्पिटल में डॉक्टरों की मनमानी से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि बाजू टूटने के बाद एक युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जो ऑपरेशन के नाम पर डॉक्टरों ने पीड़ित के परिजनों से पैसे की डिमांड की गई। वहीं जब परिजनों ने पैसा देने से इनकार किया तो डॉक्टर ने मरीज को ऐसे इंजेक्शन दिया जिससे मरीज को इन्फेक्शन होना शुरू हो गया, और उसे एनएस हॉस्पिटल से आगरा के लिए रेफर कर दिया गया।
ये मामला हुआ है कि मैं यहाँ से 9 तारीख को आई हूँ, 9 मई को, जब से ये वाला टेस्ट, वो टेस्ट, यहाँ पे भी टेस्ट कराए, बाहर से भी टेस्ट कराए, उसके बाद में सारे टेस्ट होने के बाद में कम से कम 6-7 बार तो भूखे रहिए, कल सुबह ऑपरेशन होगा कि फिर अब नंबर नहीं आया है। नंबर आया भी है तो बेहोशी नहीं है। बेहोशी के बाद मैंने बात की डॉक्टर से तो वो ये बोल रहे हैं कि उन्हें बेहोशी नहीं है। मैंने उन्हें बताया भी कि उन्हें लेट से बेहोशी आई है, लेकिन उन्होंने ये बोल दिया ऐसे हम नहीं मानते। तो एक उसमें मैम थी तो वो ही कह रही कि ऐसा नहीं होगा, वेट नहीं होता यार। 30,000-25,000 रुपए मांग रहे हैं। कौन मांग रहा है? डॉक्टर साहब। कौन से हॉस्पिटल में? जे NSK फिरोजाबाद। फिरोजाबाद में। और क्या मामला हुआ था, मतलब कि 6 तारीख को आए थे आप यहाँ भर्ती होने? कह दिया आगरा के लिए आप जाए, यहाँ कोई बेहोशी का डॉक्टर नहीं है। पैसा कौन मांग रहा था? बेहोशी डॉक्टर है और बिल्कुल संवाददाता संजीव इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव, क्या कुछ पूरा मामला है और कितनी बड़ी लापरवाही अब स्वास्थ्य महकमे की सामने आ रही है, हॉस्पिटल प्रशासन की सामने आ रही है? देखिए, ये फिरोजाबाद जिला चिकित्सालय का एक मामला है जी, और इसमें एक मरीज जो है वो फरवरी के महीने में भर्ती हुआ था, उसका हाथ का एक ऑपरेशन होना था। उस ऑपरेशन में डॉक्टर द्वारा पहले तो उसको काफी भगाया गया, काफी परेशान किया गया, फिर उससे 25,000-30,000 रुपए की मांग की गई। जब वो देने में सक्षम नहीं हो पाया तो उसको यहाँ से SN मेडिकल कॉलेज आगरा रेफर कर दिया। तो यहाँ इस तरीके के मामले लगातार संज्ञान में आ रहे हैं, लगातार ये लापरवाहियां हो रही हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के जो प्रिंसिपल हैं या जो भी अधिकारी हैं वो इस पे आंख मूंद के बैठे हुए हैं। CMO का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर संजीव? देखिए, जब CMO से इस मामले में बात की गई तो उन्होंने मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच करने की बात की है। उन्होंने कहा कि हमने 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित कर दी है और उसके बाद जांच करके जैसी रिपोर्ट आती है उसके बाद वो मीडिया को इस बारे में बताएंगे। तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद संजीव। दिल्ली के आदर्श नगर थाना इलाके में आजादपुर गांव में एक युवक की नशा पूर्ति की लत के लिए पैसे उधार मांगना महंगा पड़ गया। युवक की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी गई, जिसका दिल दहलाने वाला वीडियो सामने आया है। दो लड़के पीड़ित को पीटते हुए नजर आए, आरोपी वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना आदर्श नगर पुलिस को दी गई। पुलिस ने कार्यवाही शुरू करते हुए बताया कि गंभीर हालत में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मधुरथाना हाईवे क्षेत्र में चौकीदार की हत्या से सनसनी फैल गई है। आपको बता दें कि कंक्रीट उद्योग में कार्य कर रहे मजदूरों ने चौकीदार का शव देखा, जिसकी सूचना थाना हाईवे पुलिस को दी गई। वहीं घटनास्थल पर पहुंचे SP सिटी और क्षेत्र अधिकारी ने घटनास्थल का जायजा लेते हुए मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जबकि मृतक के सिर पर चोट के निशान भी मौजूद है। वहीं से सनसनीखेज हत्या के मामले से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। खून से लथपथ शव जो चौकीदार का है वो बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंच के मामले की छानबीन कर रही है, मामले की जांच में जुट गई है। संवाददाता सनी राम हमारे साथ इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। क्या कुछ या पूरा मामला है, क्या हत्या की वजह पता चल पाई अब तक? जी, मैं बता दूं आपको कि यहाँ थाना हाईवे के एक नवादा कट पर एक चौकीदार रहता था। काफी समय से वो अपनी नौकरी कर रहा था, जहाँ किसी अज्ञात बदमाशों ने आकर के उसके हाथ पैर बांध दिए और बांध करके उसके सिर में चोट करके और उसे मार दिया। और यही नहीं, उन्होंने उनके ऊपर ट्रैक्टर भी चला दिया। घटना की जानकारी सुबह जो कारीगर और थे जो भट्टे पर काम करते थे वो आए, उनको जब आकर के पता चला तो उन्होंने आकर के पुलिस को सूचना दी। पुलिस इस मामले में अभी अज्ञातों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और SSP ने भी जानकारी दी है कि जो आरोपी है वो जल्द ही पकड़े जाएंगे। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।
बदायूं के थाना हजरत क्षेत्र में एक मकान में दिन दहाड़े लाखों रुपए की चोरी कर ली गई। अभी लाख रुपए की चोरी होने पर पीड़ित ने थाने में तहरीर दी। पीड़ित ने बताया कि पैसे उसने अलमारी में रखे थे, लेकिन जब घर से लौटा तो पैसे उसके गायब मिले। पुलिस ने कहा कि शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्यवाही जारी है। कानपुर नगर में हुई हिंसा के बाद बुलंदशहर में भी शांत अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई और कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर अभियान के तहत एक्शन लिया जा रहा है। इसी कड़ी में प्रशासनिक अधिकारियों ने पुलिस फोर्स के साथ पैदल गश्त करते हुए कई इलाकों में सघन चेकिंग का अभियान चलाया। इसी के साथ अफवाहों से बचते हुए लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की जा रही है। अब तक की खास खबरों में इतना ही। देश दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।